Welcome to Menti's Daily News Analysis. Article 35A denied many in Jammu Kashmir their right. So that is what a statement is given by Chief Justice of India. So you all know that there is hearing is being heard. So yahan par jo Chief Justice hai India ke, he has noted that Article 35A of Indian Constitution, which granted special privileges to permanent residents of Jammu Kashmir, infringed upon the fundamental rights of the non-resident by offering exclusive benefits like employment opportunities and property ownership. तो यहाँ पर CJI ने ये question करा कि क्या Indian government ने federal principles को follow किया था while revoking Article 370, which granted autonomy to Jammu Kashmir. अब यहाँ पे आर्ग्यू करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने ये बोला कि डिस्पाइट दीज चेंजेस जो जम्मू कश्मीर ने अपना स्टेटस रिटेन किया एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट फॉर सर्टन पुलिस पावर बट यहाँ पे जो CJI अगेन ही हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ द चेंजेस विद प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म. इसरो टू लॉन्च आदित्य L1 ऑन सेप्टेम्बर 2 टू स्टडी द सन. तो इंडिया का जो फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी दैट इज आदित्य L1 इज सेट टू लॉन्च ऑन 2 सितंबर एज अनाउंस बाय इसरो. अब जो आदित्य L1 है इट विल बी पोजिशन इन अ हैलो ऑर्बिट विच इज सिचुएटेड अराउंड द पॉइंट अराउंड 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ विद इन द सन अर्थ सिस्टम. एंड ये जो यूनिक ऑर्बिट है ये अलाउ करेगा कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन विदाउट एनी इंटरप्शन जैसे कि इक्लिप्सिस और ये इनेबल करेगा हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द सोलर एक्टिविटीज और क्या इम्पैक्ट होगा स्पेस वेदर के ऊपर. स्कैन द इंटरनल डायमेंशन ऑन द रोड टू 2024. सो नाउ एज इंडिया सेलिब्रेट इट्स स्पेस अचीवमेंट एंड प्रिपेयर्स फॉर द G20 समिट. अब गवर्नमेंट को यहाँ पे इट शुड टेक द हीट फ्रॉम चंद्रयान मिशंस कि क्या अप्रोच थी प्रायोरिटाइजिंग फेलियर एलिमिनेशन ओवर सक्सेस. तो अभी जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं तो पॉलिसी मेकर्स को एड्रेस करना चाहिए ग्रोइंग कंसर्न अक्रॉस द नेशन एंड रिकॉग्नाइजिंग अंडरलाइन टेंशंस. एंड इवन यहाँ पे जो मणिपुर इशू था दैट ऑल्सो एग्जेम्प्लीफाइड विच वॉज फेस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्राइबल एफिलिएशन कैन क्रिएट पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट. एंड इवन जो ये सिनेरियो है ये सिर्फ इनहेरेंट है प्रॉब्लम्स टू नॉर्थ ईस्ट इसमें जिसमें इंक्लूडेड है आपके ट्रबल मेकिंग इन्फ्लुएंस ऑल्सो. बट बियॉन्ड द नॉर्थ ईस्ट वेरियस थ्रेट्स आर ऑल्सो देयर जैसे कि राइट विंग टेररिज्म कॉमनल वायलेंस विच कुड ऑल्सो पोज रिस्क as highlighted by the recent incident. At Delhi summit, demonstrate climate leadership. So G20, which is considering like myth insisting of major gas emitters and fossil fuel producers, actually they should all unite to drive collective climate action by collaborating and coordinating and by competing together. So that's why the upcoming G20 summit in Delhi is an opportunity for the leaders to show leadership ahead of the UN climate event. So now G20 countries are increasing their use of the renewable energy, but must more substantial shifts are there due to rising demand and urgency of these underlying issues, which is very important. And even one more important thing, that G20 should diversify economies for long-term stability, which should support renewable energy, deployment of low-carbon industry through international financial institution. Now, old ties, India and Greece are finding new ways to revive an age-old relationship. So as we have seen in news, that Indian Prime Minister's recent visit to Greece aimed to strengthen bilateral relation, which actually lacked strategic ties due to minimal high-level contact since 1983.
सो अब हुआ ये है कि इंडिया एंड ग्रीस हैव एग्रीड टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इनिशिएटिंग डायलॉग बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स डिस्कसिंग व्हाट द माइग्रेशन कैन बी एंड इवन द इंडिया ईयू दैट इज यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस एंड रेस्टोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स. सो नाउ देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट बोथ द नेशंस आर इंकरेज टू लेवरेज द पॉजिटिव मोमेंटम फ्रॉम द विजिट दैट बिल्डिंग ग्रेटर कॉर्पोरेशन बिटवीन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर्स डेमोक्रेसी ऑन द वन साइड एंड वन ऑन द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बाइल अवॉइडिंग डिकेड्स ऑफ मिनिमल इंगेजमेंट. जनरल स्टडीज थ्री इकोनॉमी लोनेबल फंड्स थ्योरी हाउ इंटरेस्ट रेट आर डिटरमाइंड इन द लोन मार्केट. सो लोनेबल फंड्स ऑफ थ्योरी विच इज नोन एज नियो क्लासिकल थ्योरी आर द इंटरेस्ट रेट विच आर डिटरमाइंड बाय द बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द लोनेबल फंड मार्केट. तो अभी यहाँ पे सजेस्ट ये हो रहा है कि जैसे जैसे इंक्रीज सप्लाई होगा फंड्स का और वी कैन से सेविंग्स का इट विल लीड टू लोअर इंटरेस्ट रेट वाइल जो इंक्रीज्ड डिमांड होगी फॉर फंड्स दैट इज बोरोइंग का इट विल लीड टू हायर इंटरेस्ट रेट. सो दिस थ्योरी इट व्यूज इंटरेस्ट एज कंपनसेशन फॉर सेवर्स जिनको वेट करना पड़ता है अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए एंड द रेट जो बोरोवर्स को पे करना पड़ता है लोन्स पे एज डिटरमाइंड बाय द रिटर्न दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द इन्वेस्टेड फंड्स. 514 रिसर्चर्स टू गेट द ICSSR फंडिंग टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो जो इंडियन काउंसिल है ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इट हैज रिसीव 3801 project proposal to study impact of central government sponsored scheme. इसमें से जो 514 projects है it has been selected for awards focusing on collaborative and individual research categories. अब जो selected projects है they will have funding, they will receive funding of 30 lakh for collaborative study, 6 lakh for individual study and around जो 40% है awardees के they are women researchers who will conduct empirical studies research and research institutions also and these research after that it will aim to assess the social impact of various schemes. is kaun si schemes ki baat ho rahi hai? Ujjwala yojana, then Jan Aushadhi yojana, then Swachh Bharat yojana. Population growth. India's growing population can help boost its labor force, but it is not enough to make the economy stronger. So, अभी हुआ ये है कि Moody's Investor Service state that India's जो growing population है, it will expand its labor force, but this alone won't ensure कि एक stronger economy will be there due to quality of education. So, better education is actually crucial for countries like India to avoid potential job loss from digitalization and AI in the long run. Next steps, science ke perspective se Indian Express mein Shiv Shakti Tiranga Jawahar Sthal, ye Prime Minister Narendra Modi has announced ki jahan pe Chandrayaan has touched down on the moon, it will be named these sites Shiv Shakti and the point where the Chandrayaan 2 lander left its footprint will be Tiranga. So, ये सारे जो earliest moon maps है, they were created in 17th century and the map was by the Italian astronomers. और यहाँ पे ये नाम important है, it can be asked like these names are often seen in news. These are related to what? So, these are the sites on the moon which are named. General Studies for Science, हमने हिंदू में देखा कि आदित्य L1 launch होने जा रहा है. India's first space-based observatory class mission to unlock the mysteries of the sun. तो ये Indian Express में आया है, launch date किस distance पे होगा, क्या destination होगा, क्या route होगा और spacecraft होगा वो launch करेगा उसके कुछ specifications. And here ये diagram आप mains में भी बना सकते हो अगर आपको आदित्य L1 पे question आता है. तो ये थी आज की analysis. अगर आपको अच्छी लगी, please don't forget to like, share and subscribe to Menti Academy.